रिकांगपियो में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने प्रदेश सरकार पर हाल ही में हुई जेसीसी बैठक में कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। नेगी निगम भंडारी ने कहा कि जेसीसी बैठक में कर्मचारियों की मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और अनुबंध प्रथा को समाप्त करने आदि मांगों पर फैसला करने से भाजपा सरकार दूरी बनाते हुए दिखाई दी। निगम भंडारी ने कहा कि सरकार ने जेसीसी की मीटिंग में पुलिस कांस्टेबल के अनुबंध को 8 साल से घटाकर 2 साल करने पर ना तो कोई निर्णय लिया और ना ही कोई चर्चा की, जो कि पुलिस कांस्टेबलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ सरकार अनुबंध को 3 साल से 2 साल करती है और दूसरी तरफ उसी बैठक में सरकार ने जेसीसी की मीटिंग में पुलिस कांस्टेबल के अनुबंध को 8 साल से घटाकर 2 साल करने पर ना ही कोई निर्णय लिया, ना ही इस पर कोई चर्चा की। और अब लगातार देख रहे होंगे इस निर्णय के बाद पुलिस कर्मी कहीं ना कहीं पिछले कल मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी वो अपनी मांगों को लेकर खड़े थे और कहीं ना कहीं आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने मैस का जो बहिष्कार किया अलग अलग जगहों पे, वो भी एक बहुत चिंता का विषय, क्योंकि पुलिस कर्मी आप मान सकते हैं कि इस कोविड काल में मुख्यतः उनका मुख्य तौर पर उनकी एक अहम भूमिका रही है और कहीं ना कहीं आज इस कोविड काल के दौर कठिन दौर में कहीं ना कहीं इस कोविड काल से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए उनकी बहुत अहम भूमिका रही है, पर इस प्रकार से उनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है जिसपे सरकार को चिंतन करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का निर्णय लेकर क्या पुलिस कांस्टेबल सरकार के कर्मचारियों के कर्मचारी में शामिल नहीं होते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं उनकी समस्या का समाधान क्या जयराम सरकार की प्राथमिकता में नहीं आता? इस प्रकार से जो निर्णय पुलिस कर्मियों के लिए लिया गया है और सरकार इस पर फिर से पुनर्विचार करे और जो 8 साल का जो इनका अनुबंध है उसको कम से कम 2 साल किया जाए।